जब हम सभी छोटे थे और एक शेर के बारे में सुनते थे, तब हमें लगता था कि शेर जंगल का राजा होता है। यह जानवर शक्ति और पौरुष का प्रतीक होता है और अपने प्राइड और टेरिटरी की रक्षा अकेले ही दूसरे जानवरों से लड़कर करता है। वेल, यह इमेज आज भी बहुत से लोगों के मन में होगी एक लायन को लेकर। हमारी सोच एक जगह गलत हो जाती है और वो यह है कि शेर अपने प्राइड और टेरिटरी की रक्षा अकेले करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बल्कि जंगल के राजा को भी जरूरत पड़ती है एक हेल्पिंग हैंड की। और जब ऐसा होता है, तब बनता है एक गठबंधन, एक कोएलिशन, जो आपस में मिलकर दूसरे कोएलिशन से अपने प्राइड की रक्षा करते हैं और अपनी टेरिटरी को बढ़ाते हैं। यह कोएलिशंस वैसे ही होते हैं जैसे पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं, ताकि एक स्ट्रांग और पावरफुल गठबंधन का निर्माण हो सके। मैं पहले ही मपोगो लायंस, नॉच लायंस और माइटी मजिंग लायंस पे वीडियो बना चुका हूँ, और आप सभी के डिमांड से आज जिस कोएलिशन की बात करेंगे वह है द सिलाटीज, जिन्होंने द मोस्ट नोटोरियस लायन मिस्टर टी, जिसे शैतान भी कहते थे, को मारकर मपो के बंधुओं के साम्राज्य का अंत कर दिया था। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द किंगडम ऑफ अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स। सिलाटी मेल्स एक चार शेरों का कोएलिशन था, जो साउदर्न प्राइड में साल 2007 और 2008 के बीच पैदा हुए थे। जब उन्होंने सबसे पहले अपने मैटरनल प्राइड को छोड़ा था, तब यह पांच भाई थे, लेकिन अपने खुद की टेरिटरी बनाने और दूसरे प्राइड्स पर कब्जा करने की चाहत ने इन्हें माइटी मजिंगलानी शेरों के सामने खड़ा कर दिया, जहां इन दो गठबंधन के बीच एक भयानक लड़ाई हुआ और सबसे छोटा सिलाटी लायन मारा गया। अब मजिंगलानी शेरों से हारने के बाद इन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि यह अभी कमजोर है और इन्हें अब एक टेरिटरी की जरूरत है, जहां यह रह सके सुकून से और मजिंगलानी शेरों से बचे रह सके। टेरिटरी की तलाश में यह चार सिलाटीज साबी सैंड गेम रिजर्व के पश्चिमी इलाके में जा पहुंचे, वह इलाका जहां उनका बचपन गुजरा था। धीरे धीरे वे अब बफेलो हंटिंग में महारत हासिल करने लगे। सिलाटी लायंस बड़े बड़े हर्ड पर हमला करते थे और उनका शिकार करते थे। ठीक उसी समय ओटावा प्राइड के यंग शेरों ने भी बफेलो हंटिंग शुरू किया था, और एक दिन एक हंट के दौरान इन दो गुटों का सामना आपस में हुआ और लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें सिलाटीज ने ओटावा प्राइड के सबसे यंग लायन को मार डाला। लेकिन यह जीत काफी कम समय के लिए थी, क्योंकि मपोगो शेरों को पता चल चुका था कि उनके टेरिटरी में घुसपैठ आए हैं, और मपोगोज ने वापस सिलाटीज को उनके दक्षिणी इलाके में खदेड़ दिया। कुछ दिनों बाद सिलाटीज फिर वापस आए एक बफेलो हंट के दौरान उसी इलाके में, जहां दो मपोगो बंधु शिकार की तलाश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फिर इनका सामना हो सकता है। फॉरेस्ट गाइड्स और रेंजर्स यह सोच रहे थे कि कौन जीतेगा, चार जवान शेर या दो खूंखार और एक्सपीरियंस्ड मपोगो लायंस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों ही कोएलिशन ने अलग अलग बफेलोस का शिकार किया कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर। दो मपोगो शेरों ने एक बफेलो काफ का ही शिकार कर पाया था, जबकि सिलाटीज ने एक दमदार बफेलो बुल का शिकार किया था। मपोगो शेरों ने तुरंत शिकार को खत्म कर पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया, और सिलाटीज जो अभी बड़े बफेलो का मांस का स्वाद चख रहे थे, मपोगोस की दहाड़ सुनकर शिकार छोड़ उल्टी दिशा में भाग खड़े हुए, और इस तरह फिर एक बार दोनों कोएलिशन का आमना सामना होने से रह गया। समय बीत रहा था और सिलाटीज फिर से पश्चिमी इलाके में नजर आए, लेकिन इस बार कुछ अनोखा हुआ। जिमुंगवे प्राइड की एक शेरनी हीट में आ चुकी थी और वह एक नर की तलाश कर रही थी, लेकिन तीन बचे मपोगोस दूर कहीं बफेलोस के शिकार में व्यस्त थे और शेरनी नहीं जानती थी कि वह कहां है। लेकिन सिलाटी मेल्स ने शेरनी की दहाड़ का जवाब दिया, और उसका पीछा करते करते शेरनी सिलाटीज तक आ पहुंची। सिलाटीज ने बारी बारी से शेरनी के साथ मेटिंग किया, और उसके बाद शेरनी वापस अपने प्राइड लौट गई।
मपोगो बंधुओं को इस बात का जरा भी भनक नहीं था कि शेरनी ने दुश्मन शेरों से सहवास किया था, इसीलिए शेरनी के बच्चे होने पर उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। मपोगो शेरों के संरक्षण में रह रहे शेरनी के साथ मेटिंग करके यह सिलाटीज अब बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके थे। फिर से मेटिंग करने की चाहत में सिलाटीज वापस पश्चिमी इलाके में आ धमके, क्योंकि मपोगो बंधुओं की हालत अब खराब थी, वे बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए सिलाटीज अब निडर होकर अपनी टेरिटरी को मार्क कर रहे थे। अगली सुबह 3 मपोगो शेर अपनी टेरिटरी को छोड़कर जा रहे थे और उनमें से एक जख्मी भी था। सिलाटीज अब मपोगो लायंस की टेरिटरी पर कब्जा जमा चुके थे और सुकून की सांस ले रहे थे। सिलाटीज से दूर मपोगो शेर दक्षिणी इलाके में रहने लगे और सिलाटीज उत्तरी इलाके पर अपना राज करने लगे, और इस तरह कुछ दिन युद्ध विराम रहा। उसी समय जिमुंगवे प्राइड की शेरनी फिर से हीट में आई और फिर से इस बार मपोगो शेर शांत थे और शेरनी से दूर थे, लेकिन सिलाटीज काफी एक्टिव थे और अपने शिकार को खत्म करने के बाद वह शेरनी की तरफ बढ़ रहे थे। मेटिंग की चाहत में शेरनी भी सिलाटीज की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उसके प्राइड के शेर इनएक्टिव हो चुके थे, इसीलिए वे जवान शेरों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी मपोगोज ने अपने जोरदार दहाड़ के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और उसे सुनते ही शेरनी सिलाटीज को छोड़ मपोगो के पास जा पहुंची, जिनसे वह ज्यादा फेमिलियर थी। चारों सिलाटीज जानते थे मपोगोज की पोजीशन को, इसीलिए वे वापस उत्तरी इलाके में चले गए। कुछ दिनों बाद वे वापस दक्षिणी इलाके में आए और दोनों कोएलिशन ने अलग अलग बफेलोज का शिकार किया 2 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसा लग रहा था जैसे अब लड़ाई होगी, और अगले दिन ही कुछ ऐसा हुआ जो काफी दिल दहलाने वाला था। दूर से दहाड़ने और चीखने की आवाज आ रही थी। वह दहाड़ एक मपोगो शेर की थी, लेकिन किसकी थी यह कन्फर्म नहीं हुआ था। एक बूढ़े शेर को 4 जवान और गर्म खून वाले शेरों से सामना करने में बहुत परेशानी होने वाली थी, लेकिन एक मपोगो अपने बचे खुचे साम्राज्य को बचाते पीछे नहीं हटा। फील्ड गाइड ने देखा कि मिस्टर टी पर हमला हो चुका था और सड़क किनारे घायल मपोगो सम्राट अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था और बिल्कुल अकेला था। मिस्टर टी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और पिछला हिस्सा अपाहिज हो चुका था, और इसी चीज का फायदा उठाकर सिलाटीज में से एक उसका ध्यान बटा रहा था और दूसरा पीछे से हमला कर रहा था। उन्होंने मिस्टर टी को जमीन पर गिरा दिया और चीर फाड़ करना शुरू कर दिया, लेकिन मिस्टर टी अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह लड़ रहा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि मिस्टर टी एक बहुत ही शानदार शेर था और काफी जिगर रखता था। लेकिन सिलाटीज ने मिस्टर टी को मारकर यह ऐलान कर दिया कि अब यहां का साम्राज्य अब उनका है और वो ही वहां के शहंशाह हैं। सिलाटी कोएलिशन ने साल 2013 में अपने एक भाई को बफेलो हंट के दौरान खो दिया। दूसरी ओर मजिंगलानी शेरों से एक टेरिटोरियल फाइट के दौरान 2014 में एक और सिलाटी मारा गया। 2 सिलीज ही बचे थे जो नॉर्थ की तरफ चले गए मानियलाटी गेम रिजर्व में और वहां टालीमाटी प्राइड पर अपना कब्जा किया और कई बच्चों को जन्म दिया। साल 2017 के फरवरी महीने में एक और सिलाटी मारा गया बुढ़ापे की वजह से, और आखिरी बचा सिलाटी भी 2017 के अंत तक मारा गया, और इस तरह अंत हुआ एक महान गठबंधन का। सिलाटीज चले गए इस दुनिया से, लेकिन आज भी उनके बच्चे क्रूगर नेशनल पार्क में राज कर रहे हैं। गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको सिलाटीज में क्या अच्छा लगा कमेंट में बताइए। जिस तरह पिछले वीडियो द राइज एंड फॉल ऑफ द मजिंगलानी कोएलिशन पर वर्ल्ड पॉलिटिकल भाई ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, उनका कमेंट है, हमने इन लायन कोएलिशन से करेज ब्रेवरी सीखा और यह भी सीखा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब मपोगो ब्रदर्स डिवाइड हुए तब वे डिस्ट्रॉय भी हो गए। हमें इन मैजिस्टिक लायंस को सेलिब्रेट करना चाहिए और इनको एक्सटिंक्शन से बचाना चाहिए, नहीं तो ये भी बारबेरी लायन की तरह हिस्ट्री बन जाएंगे। थैंक यू वर्ल्ड पॉलिटिकल और थैंक यू गाइस। फैक्ट्स फॉयलम ब्रिंग्स यू द मोस्ट अमेजिंग एंड अनरिवील्ड फैक्ट्स फ्रॉम द एनिमल किंगडम। सब्सक्राइब द चैनल।